उसको बाल्टी कसैली पान पत्ता पैसा। दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो, और अगर आप लोग मेरे वीडियो में न्यू है तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। और आज हम लोग जा रहे हैं खलारी, क्योंकि अभी चाची छठ चल रहा है और मम्मी छठ करने के लिए खलारी जा रही है। मम्मी यहाँ बैठी हुई है, मम्मी का बैग है, यहाँ लाली बैठी हुई है और भाई ड्राइव कर रहे है, कुछ बोलेगा नहीं क्योंकि भाई जब कमेंट पास करता है तो बहुत हार्ड हार्ड कमेंट पास करता है, इसीलिए चलिए बाबा आप लोग खलारी घुमाते हैं। और खलारी से पहले हम भोला मिष्ठान भंडार लेके जाएंगे, जो सबसे पहला आउटलेट है जो बिजूपाड़ा में खुला था, वहां से मिठाई लेंगे दीदी के घर ले जाने के लिए। लाली अपना दांत दिखाओ एक बार, ये दीदी खाना है। अब रांची का टेम्परेचर हाई हो चुका है, काफी ज्यादा गर्मी है यहाँ भी, पता नहीं मम्मी लोग कैसे फास्ट करके रहेगी दिन दिन। और ये हम लोग फ्यूल फुल करवाने के लिए रुके हुए हैं। आप लोग गौर से देखिए मेरे भाई को, ये जो मुस्कुरा रहा ना, ये कहता है कि इसे मेरे भाई के कहलाने में शर्म आता है और इसे पता नहीं कि मैं कल के सुपरस्टार हूँ। बहुत बदमाश है मेरे भाई। और अभी हम लोग रातू पहुँचने वाले हैं, सकते हो ये छोटा नागपुर वाटर पार्क है और फन कैस्टल भी है आगे में, फन कैस्टल को डिवाइड कर दिया गया है छोटा नागपुर वाटर पार्क में। और अभी हम लोग रातू क्रॉस करने वाले हैं, यहाँ से नेतरहाट 142 किलोमीटर है, मैं क्रॉसिंग करने वाली थी देखा। ये वाटर पार्क मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम गए हुए थे तो यहाँ का फ्लोर काफी खराब था और 500 रुपीज की जा रही है। और ये आप देख रहे हो ये फन कैस्टल है, आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, बट काफी अच्छा रोड बन चुका है। पहले हम लोग जाते थे खलाई तो काफी ज्यादा टाइम लगता था, बट अब वर्क काफी फास्ट हो रहा है। और अभी आपको खलाड़ी का रोड दिखाएंगे। ग्राम में पहुंच चुके हैं, देख सकते हो ब्राह्मे का मार्केट है। अब आपको रांची पहले जैसा नहीं दिखेगा, सारे जगह बिजी रोड रहते हैं, कहीं पे डरने की जरूरत नहीं है, पॉपुलेशन काफी बढ़ चुका है अपने रांची शहर का भी। यहाँ पे राम मंदिर बना है, तैयार हो रहा है और काफी खूबसूरत रोड का नजारा देख रहे हैं आप, पूरा भगवा रंग से सजा हुआ है। और ये टोल प्लाजा है आपका रांची से खलारी जाने के लिए, एक ही टोल प्लाजा है जो अभी रिसेंट में स्टार्ट हुआ है, पहले ही नहीं था। और हम लोग बिजूपाड़ा पहुंच चुके हैं और अभी आप लोगों को बिजूपाड़ा का भोला मिष्ठान भंडार लेकर चलते हैं जो सबसे पुराना है, और यहाँ से ही इनका 4-5 स्टोर खुल चुका है और यहाँ का मिठाई काफी ज्यादा फेमस है। जब भी कोई रांची से खलारी आता है तो यहाँ से मिठाई लेकर आता है और लेकर जाता है। हम लोग को फ्रूट्स लेना था जो हम लोग ने ले लिया, और ये हम लोग आ चुके हैं भोला मिष्ठान भंडार। ये हम लोग संदेश ले चुके हैं, लाली स्माइल करो, ले चुके हैं अपना, और यहाँ संदेश मिठाई ले चुके हैं भोला मिष्ठान से, और अब जा रहे अपना गाड़ी वहाँ लगा हुआ है। छुटकारा मिल रहा है, बाहर जाएगी घूमने। और ये हम लोग का सेकेंड ट्रिप हो रहा है अभी समर का। और अभी मैक्लोसीगंज आने वाला है, इस
साइड आपका मैकलोसी गन चल जाता है और इधर साइड और इस साइड खलारी सेंट्रल बोर्ड पे लिमिटेड। हम लोग खलारी इंटर कर चुके हैं जहाँ पे आपको माइंस बहुत देखने को मिलता है, बट यहाँ पे ब्लैक बिजनेस काफी ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा अगर झारखंड में पैसा है तो आपका रामगढ़ और खलारी में है। अगर आप लोग झारखंड से हो तो आप लोग को मैकलोसीगंज जरूर घूमने जाना चाहिए। वहाँ पे आपको ब्रिटिश हाउस दिखेगा, मैंगो ट्रीज, आप जिधर पे अपना आईज राउंड करोगे आपको सिर्फ मैंगो ट्री ही दिखेगा। और काफ़ी अच्छा अच्छा वहाँ पे रिसॉर्ट अभी न्यू ओपनिंग हुआ है, समर में आप लोग घूमने जा सकते हो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और मैं 2019 में गई थी, तभी सिर्फ हाउस था ओल्ड सा और प्री वेडिंग का फोटो शूट के लिए गई थी। देन अभी सुनने में आया कि काफ़ी अच्छा अच्छा रिसॉर्ट ओपन हो चुका है, मैं खुद जाऊंगी वहाँ का वीडियो एक्सप्लोर करने के लिए। तब तक आप लोग मेरे साथ खलारी चलिए और खलारी घूमिए। आप देख सकते हो क्या खूबसूरत सी नज़ारे हैं पूरे खलारी की। और ये खलारी का जंगल है, बहुत सारा पेड़ कट चुका है रांची से खलारी आने के लिए, नहीं तो पहले तो काफ़ी ज़्यादा पेड़ हुआ करता था। अब यही बचा हुआ है जो आप लोग देख रहे हो। और बस अब हम लोग घर पहुंचने ही वाले हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं घाट मम्मी आंटी और दीदी को लेकर। अपने बिहारी धर्म में छठ के लिए हम लोग सिर्फ 2 दिन ही जाते हैं घाट, एक शाम वाले अर्घ में और एक सुबह वाले अर्घ में। बट खलारी वाले में यहाँ पे आपको खरना के दिन भी लोग घाट जाते हैं, यहाँ भी अर्घ देते हैं, फिर उसके बाद आकर खरना का प्रसाद तैयार करते हैं। तो हम लोग मम्मी सबको लेकर आ गए, फिर उसके बाद मम्मी लोग प्रसाद तैयार करेगी और हम लोग रांची निकल जाएंगे। हाथ पकड़ लेंगे, हाथ अच्छा जोड़ा जोड़ा रहेगा ना, ये जोड़ा नहीं रहेगा, देते हैं जोड़ा रहता है पान जोड़ा है तो जोड़ा। शुद्ध होता है होटल के सामान शुद्ध रहता है। हम बोले गुड़ चाहे मिश्री ले लेते उससे पता अदरक कुछ आ जा रहा है लेकिन गुड़ नहीं टूट रहा और यहाँ सभी का पूजा हो चुका है। और अब हम लोग कपड़ा धो रहे हैं क्योंकि यही कपड़ा कल घाट आने टाइम पहनना होगा। और फिर हम लोग अभी घर जाएंगे और घर से निकल जाएंगे रांची के लिए। और रांची और खलारी का डिस्टेंस है आपका 41 किलोमीटर। और ये मेरी बत्ती सी देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि मैं कितनी खुश हूँ पानी में। बट अभी ठंड का मौसम है रहता है तो पानी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहता है, वो आप जो देख रहे हो वहाँ से पूरा पानी गिरते रहता है। बट अभी पानी पूरा जमा हुआ है, थोड़ा सा गंदा पानी है। ऐसे बाथरूम कर लिए ना,
अब हम लोग कलानी से निकल चुके हैं, अभी 5 बजे है, मम्मी को छोड़ दिया है, लाली भी वहाँ रहने वाली थी बट लाली भी अब आ गए डर से। और अभी हम लोग को यहाँ से पहुँचने में करीब 1 आवर अप्रॉक्स लग जाएगा। और फाइनली हम लोग को मिल चुका है टी स्टॉल और हम लोग ने चाय ले लिया है और अभी हम लोग चाय पियेंगे तो भाई को थोड़ा अच्छा लगेगा। और ये रातू के राजा का किला है जो आपको साल में सिर्फ 2 बार खुलता है, एक बार रथ यात्रा के दिन और एक बार विजयदशमी के दिन। और ये हम अपने फ्रेंड के घर आए हुए खरना का प्रसाद लेने के लिए। और यहाँ पे दो क्यूट सा डॉग था जो हम लोग को टीका लगाते हुए देखते, ये लोग को भी टीका लगवाना था, जर्मन शेफर्ड, इसका बाल बहुत छोटा है। और अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते, तब तक आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय, टेक केयर, जय छठी मैया की।